आना चाहिए था, ताली और थाली बजाने के बाद वैक्सीन भी लगवानी चाहिए थी। हम लोग अपनी सरकार आने पर फ्री में वैक्सीनेशन लगवा लेंगे। सबसे पहली बात कि 16 जनवरी आज न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि एक नहीं दो दो स्वनिर्मित भारतीय वैक्सीन आज बाज़ार में आई। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे देश के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई। देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ऐसे नकारात्मक लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, इनकी कोई जगह नहीं है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी से ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि मौजूदा बजट सत्र को देखते हुए सदन के दोनों सदन के सदस्यों को, सारे कर्मचारियों को टीकाकरण पहले सुनिश्चित करवा लें, यही व्यवस्था राज्यों में भी करवा दें, ताकि बजट सेट सुचारू रूप से चल सके। और ऐसे ऐसे नेगेटिव आदमी, अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव, ये सब जो हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनको ये अफवाहों का बाजार फैलाते हैं और अपने देश की आत्मनिर्भरता पर शक करते हैं। इनको कोई नहीं पूछेगा। और अब देखना है कि जब सदन के सदस्यों को टीका लगता है तो ये टीका लेते हैं कि नहीं। जहाँ तक रही सरकार बनने पे फ्री वैक्सीन देंगे, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। मनीष तिवारी ने भी सवाल खड़े किया और कहा है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने कहा ना, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही काम है, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, हर बात पर मोदी का विरोध करना, और कोई काम नहीं।